Good morning everyone, this is Dr. Shahataj Khan from Active Plus. So today I'm going to talk about some myths of chiropractic treatment. The first myth is there are a lot of common myths about the chiropractic profession. One of them typically comes from the chiropractic professionals, patients. मतलब अपने patients को हम ये explain करते हैं कि आपके spine में misalignments हैं. यानी one of your vertebra move from its place to another place and उसके लिए वो हमारा wait करेगी. हम आते हैं और उसको वापस उसके place पे पुश करेंगे. बट दैट इज नॉट एग्जैक्टली, बट देयर इज नो रियल गुड एविडेंस फॉर द सेम. क्योंकि स्पाइन जो है हमारा स्टैटिकली इस तरह से मूव नहीं करेगा और वो अपने स्पेस से स्टैटिकली मूव करके दूसरे स्पेस पे जाकर नहीं रुक. देयर इज सम स्टिफ अलाइनमेंट करते हैं, जब हम एडजस्टमेंट्स करते हैं तो वहां उस एरिया का स्टिफनेस रिड्यूस करते हैं, जो कि वो पार्ट स्पाइन का कोई एक जॉइंट, सम ऑफ द जॉइंट्स आर नॉट वर्किंग वेल. आवर सेकंड मिथ इज रेपिटेटिव एक्सरेज एंड इमेजिंग. सो सम प्रैक्टिशनर्स आस्क पेशेंट फॉर रेपिटेटिव इमेजिंग मॉनिटर करने के लिए पॉस्चर और वर्टिबल मिसअलाइनमेंट्स, जो कि सच में ऐसा कुछ नहीं है. इन सम ऑफ बैक एंड नेक पेन के लिए हमें रेपिटेटिव एक्सरेज नहीं चाहिए होते हैं, एक्सरेज और इमेजिंग की जरूरत नहीं रहती है. कम एट अ केयर प्लान फॉर द सेम. टूवर्ड्स अ थर्ड में पेशेंट विद नेक एंड बैक पेन ऑफन टोल्ड दैट दे रिक्वायर अ मंथ और ईयर टू रिकवर फ्रॉम देयर प्रॉब्लम एंड योर पेन. एक्चुअली में ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर पेशेंट को विद इन अ वीक और विद इन 15 डेज रिलीफ नहीं आ रहा है तो हमको ट्रीटमेंट को मॉडिफाई करना चाहिए और पेशेंट को ये एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए कि आपको एक साल लग जाएगा या आपको एक मंथ लग जाएगा ट्रीटमेंट के लिए या आपको ठीक होने में एक साल लग जाएगा. That is all wrong. For today, our last myth is if you are new to chiropractic treatment, तो आपको थोड़ा सा डर रहता है कि आवाज और ये sounds, जो cracking sounds आते हैं वो किस चीज के sounds? तो ये sounds basically क्या रहता है, जब आप अपने finger को भी लेते हैं, आप अपने finger को pull करके जब ये knuckle में से आपके आवाज आती है, ये cracking sounds आता है, तो उसको लेकर patients को बहुत सारे doubts रहते हैं. Something is smashing within the joint or something is rubbing together, but it's not true. It's just वो आपके जॉइंट का जो है प्रेशर रिलीज करने के लिए, जो स्टिफनेस है वो रिलीज करने के लिए होता है वो एडजस्टमेंट. थैंक यू. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे एक्टिव प्लस के पेज को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें. थैंक यू सो मच.